एक छोटा सा सुंदर सा कछुआ था, उसका नाम था टिप्पी। उसका कवच भी बहुत मजबूत था, वो भी तुम लोगों की तरह रोजाना स्कूल जाता था। क्या तुम उसके दोस्तों से मिलना पसंद करोगे? उसके बहुत से दोस्त थे। एक वुडपेकर था विली, लोग उसे समझते थे सिली, पर विली नहीं था सिली, और उसे बहुत पसंद थी चिली। उसका दूसरा दोस्त था एक गिलहरी, गिलहरी का नाम था जेरी, जेरी को बहुत पसंद थी बेरी, बेरी खाकर बड़ी मस्ती में रहता था जेरी। टिप्पी, विली और जेरी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे खूब मस्ती करते थे। उनकी क्लास में एक और स्टूडेंट था, टॉपी। टॉपी एक सुंदर सा छोटा टाइगर था, पर उसे कोई भी स्टूडेंट पसंद नहीं करता था। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। वो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता था। कभी कभी तो वो रिम्पी खरगोश को पेंसिल चुभा देता था और तालियां बजाकर खूब हंसता था। कभी टॉपी हिरन के बिस्किट को टिफिन बॉक्स में से निकालकर खा जाता था। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि टॉपी टाइगर टिप्पी को किस तरह परेशान करता था? वो अपने तेज और नुकीले पंजे टिप्पी के कवच पर मारता और उसे तंग करता। वो बार बार पंजे मारकर बोलता, वाह क्या कवच है, कितना भी छेड़ो इसे कुछ नहीं होता। देखो मैं दोबारा मारता हूँ पंजा, और क्या पता कर दूं टिप्पी को मैं गंजा। टिप्पी को बहुत दर्द होता और वो कॉर्नर में बैठकर बहुत रोता। टिप्पी को रोता देख विली और जेरी को बहुत बुरा लगा। लेकिन एक दिन उन्होंने टॉपी को सबक सिखाने की सोची। इस बार दोनों दोस्त टॉपी टाइगर को सबक सिखाने वाले थे। उन्होंने एक प्लान बनाया और कुछ पैनी नुकीली कीले मंगवाई। बच्चों, तुमने कीले तो देखी ही होंगी। विली और जेरी ने वो कीले टिप्पी के कवच पर चिपका दी। अब टिप्पी का कवच बहुत नुकीला और पैना हो गया था। बच्चों, क्या तुम्हें पता है आगे का क्या प्लान होगा? अगले दिन सुबह विली और जेरी ने टिप्पी को एक सुंदर सी नई ड्रेस पहनने को कहा। इस नई ड्रेस में टिप्पी बहुत ही सुंदर लग रहा था। वे तीनों स्कूल में पहुंचे। टॉपी टाइगर पहले से ही वहां था। टिप्पी की नई ड्रेस देखकर टॉपी टाइगर मुस्कुराया। आज तो मैं इसके कवच पर जोर का झटका मारूंगा। नई ड्रेस पहनकर बड़ा हीरो बन रहा है। टॉपी तेजी से आया और टिप्पी की कमर पर जोर से हाथ मारा। टॉपी टाइगर जोर जोर से रोने लगा। नुकीली कीलों ने टॉपी के पंजे पर गहरी चोट की। ये देखकर क्लास के बाकी सभी बच्चे बड़े खुश हुए। सब तालियां बजाने लगे। तभी उनके क्लास की टीचर एले उल्लू क्लास में आई और कहा, टॉपी टॉपी मत बन नॉटी, तुम्हारी है ड्यूटी, बनना है स्वीटी। तब टॉपी टाइगर ने क्या किया? उसने एले उल्लू मैडम को बोला, टीचर टीचर
मैं आगे से किसी को तंग नहीं करूंगा। उसके बाद टॉपी टिप्पी विली और जेरी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। तो बच्चों, क्या तुम्हें कहानी पसंद आई? क्या कभी कछुआ देखकर अब तुम्हें टिप्पी कछुए की याद आएगी?